ભાજપના પ્રવક્તા જેવીએલ નરસિંહ રાવે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. નરસિંહ રાવે રાહુલ ગાંધીને સવાલ પૂછ્યો કે અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનાવવા અંગે રાહુલ પોતાનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરે, દેશભરના લોકોની આસ્થા રામ મંદિર સાથે જોડાયેલ હોય. સીમા મુસ્લિમો પણ મંદિરની તરફેણમાં, ત્યારે રાહુલે પોતાનું સ્ટેન્ડ જણાવવું જોઈએ. અહેવાલ લલિત વ્યાસ. ઔરંગઝેબ કે બારે મેં ભી હમને યે સુના હૈ, ઔરંગઝેબ ને ભી કુછ મંદિર બનાને કે લિયે બાત કહી. બહોત બડે પ્રસિદ્ધ મંદિરો કો તોડને કે બાદ જબ જનતા ઉનસે બિલકુલ પૂરી તરહ મુખટ ગઈ થી, ઉસને દો ચાર છોટે મંદિરો કો બનાને કે ભી એક ગુમરાહ કરને કી કોશિશ કિયા હૈ. અલાઉદ્દીન ખિલજી ને ભી યહી કિયા હૈ. રાહુલ ગાંધી ઉસી દિશા મેં હૈ. हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारे रुख बिल्कुल स्पष्ट है, अयोध्या में भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनना चाहिए. ये कल शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया, उसमें अन्य दल भी शामिल हो गए, मतलब जो निर्मोही अखाड़ा और बाकी लोगों ने भी उसका समर्थन किया है. उन्होंने एक सुझाव रखा है शिया वक्फ बोर्ड ने, भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो और मस्जिद लखनऊ में हो या किसी दूसरे. बाबर कौन लगता है कांग्रेस पार्टी का, मुस्लिम समाज का बाबर क्या लगता है? बाबर एक आक्रांता था, मुगल डायनेस्टी के सबसे उसको एस्टैब्लिश करने वाला पहला सुल्तान था. क्या बाबर का क्या मतलब है भारत से? तो इसलिए शिया वक्फ बोर्ड की जो स्टेटमेंट है उसको हम अच्छा सुझाव मानते हैं, अच्छे तरीका है यह सुझाने का. कांग्रेस पार्टी को क्या कहना है? हम डिमांड करते हैं राहुल गांधी स्पष्ट करें, क्या अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर बने और मॉस्क किसी दूसरे जगह पर बने? इसका हम पक्षधर हैं. क्या राहुल गांधी इसके पक्षधर हैं? हम उससे जवाब सुनना चाहते हैं. आप चुप चुप चुप्पी साधकर आजकल कुछ मंदिरों में जाकर कोई नाटक कर आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं. यदि आपको श्रद्धा बिल्कुल है, यदि आपका कुछ भी मन परिवर्तन हुआ है, आप आज अयोध्या मंदिर के बारे में आपका रुख क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट करें. कांग्रेस पार्टी आज 5 तारीख से दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है. हम सुनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, आप अपना चुप्पी तोड़िए. शिया वक्फ बोर्ड का जो सुझाव था उसके बारे में आपको क्या कहना है, इसका स्पष्टीकरण करें. नहीं, कोई माइनस पॉइंट नहीं है. तो सबसे मुझे लगता है इस बार जो जिस प्रकार ये माहौल बना है, जिस प्रकार आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी का शासन राज्य में केंद्र में, पहले भी था अटल जी के सरकार के समय, बट लेकिन आज एक प्रधानमंत्री हमारे राज्य से है, गुजरात से है, ये पूरे भारत की नेतृत्व कर रहे हैं. ये विषय जो है, एक हमने कई जगह पूछा है, ये हर गुजराती के मन में ये बात है. जो फैक्टर 12 में नहीं हो सकती थी, 2007 में ये फैक्टर नहीं हो सकती थी, 2014 में बिल्कुल एक बड़ी फैक्टर है. प्रधान हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आज दिल्ली में भारतीय जनता देश के नेतृत्व कर रहे हैं. इस प्रकार का स्वाभिमान, गुजराती प्राइड एक बड़ा फैक्टर है. मैं मानता हूं आप में से कई लोग इसको आंकलन नहीं किए होंगे, बट लेकिन बड़ा फैक्टर है इसका.